हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल रविवार को सोनीपत के गन्नौर पहुंचे। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फल फूल और बागवानी मार्केट में 2600 करोड़ रुपए से कराए जाने वाले कार्यों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 500 एकड़ में बन रही ये एशिया की सबसे बड़ी मंडी होगी। कई फल ऐसे हैं 48 घंटे 72 घंटे के बाद भूमि मुरझा जाते हैं, तो फल और सब्जी इसके लिए खुला स्थान चाहिए, इसके लिए कोल्ड स्टोरेज चाहिए, इसके लिए खरीदने बिक्री करने वाले जो ट्रैफिक होता है, जो लोग आते हैं उनके लिए खुला स्थान चाहिए, उनको ठहरने की जगह चाहिए, उनकी सब सुविधाएं चाहिए। तो ये सब सुविधाएं लेकर के हमारी जो गन्नौर मंडी है ये स्थापित होने जा रही है। मित्र भाइयों बहनों, इस गन्नौर मंडी को आरंभ करने के बाद जो इसका लाभ होगा निश्चित रूप से वो किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने में एक आगे बढ़ेगा, हरियाणा प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में हमारी मदद करेगा, हमारे देश को आत्मनिर्भर बनाने में आगे बढ़ेगा, क्योंकि इससे हरियाणा की इकोनॉमी, हरियाणा की आर्थिक स्थिति और मजबूत होगी। जैसा बताया, हजारों करोड़ रुपए का जो हर साल यहाँ व्यापार होगा उससे यहाँ के लोगों को बहुत एक सहायता मिलेगी, रोजगार मिलेगा। सीएम मनोहर लाल ने सोनीपत के गन्नौर क्षेत्र के सब्जी उत्पादक किसानों के लिए बड़ी घोषणा की। उन्होंने ऐलान किया कि 3000 एकड़ से ज्यादा में अब सब्जी बिजाई करने वाले जो भी किसान होंगे सरकार उनको 2024 में प्रति एकड़ 5000 रुपए की सहायता देगी। मैं आज घोषणा करता हूं कि गन्नौर ब्लॉक 3000 एकड़ के बाद जितना आगे बढ़ेंगे इस बार का तुम्हारे पास रजिस्ट्रेशन आ जाएगा कौन कौन सब्जी हो रहा है। इसके बाद अगले वर्ष से 1 अप्रैल 2024 से यहाँ के किसानों को और आगे बढ़ेंगे तो 5000 रुपया प्रति एकड़ सब्सिडी गन्नौर ब्लॉक के लिए हम जो है 3 वर्ष के लिए लगातार देंगे सब्जी बुआई के। इतना ही नहीं, सीएम ने मंच से सूरजमुखी का कारखाना लगाने की घोषणा भी की। सूर्यमुखी का जो सीड है इसका तेल बनता है, इसका घी बनता है। हमारे हरियाणा में कोई कारखाना अभी इसका नहीं है। हैपेड के लोगों ने तय करके मुझे बताया है कि अब योजना बना करके वो छाबाग के एरिया में ही, कुरुक्षेत्र जिले में ही कहीं भी 4 एकड़ जमीन पर और 1 एकड़ सूर्यमुखी का जो बीज है उसमें तेल बनाने का जो कारखाना वो लगाएंगे, इसकी क्षमता 30,000 मेट्रिक टन ये हर साल की होगी। 20,000 मीट्रिक टन खरीदना ये हैफेड के लिए अनिवार्य हो जाएगा, तो इसलिए स्वाभाविक है उसका रेट अपने आप आगे बढ़ेगा। तो हम खरीद करेंगे, उसका उपयोग भी करेंगे और उपयोग करेंगे तो बाजार में उसका तेल और घी जो बेचना होगा वो हैफेड बेचेगा। सीएम मनोहर लाल ने गन्नौर से ही अन्य कई जिलों के प्रोजेक्ट का भी शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने भिवानी के बहल में सब्जी मंडी, लोहारू के सिवानी में अनाज मंडी, करनाल में मुनक परचेज सेंटर के साथ सरसा में अनाज मंडी और सब्जी मंडी का शिलान्यास किया। काबिले गौर है कि करीब 10 सालों से इस भारतीय अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मार्केट को लेकर काम चल रहा है, लेकिन एशिया की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय फल फूल एवं बागवानी मार्केट का निर्माण सिरे नहीं चढ़ पा रहा है। लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यहाँ विकास कार्यों को गति दी। सूर्य समाचार के लिए सोनीपत से सनी मलिक की रिपोर्ट।